हेलो स्टूडेंट्स, टू ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कर दीजिए सो दैट वी कुड स्टार्ट। शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, ज्यादा स्टूडेंट्स को ये वाली वीडियोस और स्टूडेंट आ सके। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर कर दो ये वीडियो ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स आ सकन और भी ज्वाइन कर सकन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हु रॉट मदर्स बुक, मदर्स बुक किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन है रूसो, सेकंड ऑप्शन फ्रॉबल, थर्ड ऑप्शन है पेस्टोलॉजी एंड लास्ट ऑप्शन है मारिया मोंटेसरी। यस स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन कि मदर्स बुक किसने लिखी, रूसो, फ्रॉबल, पेस्टोलॉजी या मारिया मोंटेसरी। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो स्टूडेंट्स ये वीडियो ताकि ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर सकन। गुड आफ्टरनून टू ऑल एडवांस। क्वेश्चन किया है कि मदर्स बुक किसने लिखी, रूसो, फ्रॉबल, पेस्टोलॉजी या मारिया मोंटेसरी। हाँ जी, ध्यान नाल क्वेश्चन देखो और उस तो बाद इस क्वेश्चन का आंसर दो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनका सही आंसर है वो है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने बुक लिखी सी और इस बुक दे विच की है 1803 दे विच लिखी सी है बुक और इच की है कि प्री स्कूल एजुकेशन दिया एक्सरसाइजेस बारे दस्या है। प्री स्कूल एजुकेशन दिया एक्सरसाइजेस बारे दस्या होया है। 1803 दे विच ये बुक लिखी गई सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हेयर। हाँ जी, आई होप कि सारे क्लियर हो गया होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हु रिकमेंडेड प्ले एंड आर्ट वर्क, किस दार्शनिक की विशेषता प्ले अते आर्ट वर्क सी। पहला है ऑप्शन मारिया मोंटेसरी, सेकंड ऑप्शन फ्रॉबल, थर्ड ऑप्शन रूसो एंड लास्ट ऑप्शन इज पेस्टोलॉजी। आर्ट एंड वर्क केड़े दार्शनिक दी फीचर सी, केड़े दार्शनिक दी फिलोसफी सी आर्ट एंड। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स जो हम तक आंसर आए हैं सही कह रहे हैं। और भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो अपने आंसर्स दो। आर्ट एंड प्ले जो सी वो किन्ना दी फिलोसफी सी, मारिया मोंटेसरी, फ्रॉबल, रूसो और पेस्टोलॉजी। यस, सारे दे आंसर बिल्कुल सही है, फ्रॉबल सी। और जो प्ले एंड आर्ट वर्क सी उन्हों का उन्होंने की नाम दिता गया सी, प्ले एंड आर्ट वर्क नू की नाम दिता गया सी, गिफ्ट। और जो उन्हें गिफ्ट होंगे सी वो ब्लॉक की शेप च होंगे सी। यस, ब्लॉक की शेप च उन्होंने जो गिफ्ट सी वो होंगे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। थर्ड है, व्हेन डिड किंडरगार्टन स्टार्टेड बाय फ्रॉबल, फ्रॉबल ने किंडरगार्टन कदों शुरू किया। 1835 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 1836, थर्ड ऑप्शन 1837 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1839। हाँ जी प्लीज स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करो कि जो फ्रॉबल ने किंडरगार्टन शुरू किया सी वो टाइम की सी, टाइम पीरियड की सी उसका। बिल्कुल बिल्कुल, सारे दे आंसर बिल्कुल सही है। 1837 दे विच फ्रॉबल ने किंडरगार्टन शुरू किया सीगा और इन्हां दा अदर नेम की सी उहदा स्कूल दा, चिल्ड्रंस गार्डन। अगर अदर नेम पूछा जावे तो मतलब की सी, चिल्ड्रन गार्डन। ठीक है,
ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਨੇਮ ਇਹਦਾ ਚਿਲਡਰਨਸ ਗਾਰਡਨ ਸੀ 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। फोर्थ क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पार्ट्स रूसो डिवाइडेड एजुकेशन। रूसो ने एजुकेशन नू किन्ने पार्ट्स दे विच डिवाइड किया। फर्स्ट ऑप्शन वन, सेकंड ऑप्शन टू, थर्ड ऑप्शन थ्री एंड लास्ट ऑप्शन इज फोर। हाँ जी, सही आंसर दो। इसका सही आंसर की है कि रूसो ने एजुकेशन नू किन्ने पार्ट्स दे विच डिवाइड किया। यस फ्रेंड्स, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। टू कह रहे हैं, फाइव कह रहे हैं, कोई थ्री कह रहे हैं, कोई फोर कह रहे हैं, मतलब आइडिया ज्यादातर स्टूडेंट नहीं है। मिले जुले आंसर मेरे को आ रहे हैं। इधर जो राइट आंसर है वो है थ्री। थ्री पार्ट्स के बीच एजुकेशन रूसो ने डिवाइड किया सी, थ्री पार्ट्स के बीच। और ये केड़े केड़े पार्ट से? पहला पार्ट से इंडिविजुअल लर्निंग। ठीक है, सेकेंड जरा पार्ट सी वो सी बिहेवियर लर्निंग या टीचिंग। ठीक है, थर्ड ऑप्शन टीचिंग दोगे तुसी ये नाम, सारे पासे टीचिंग कर लो। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है नेचुरल टीचिंग, मतलब उन्हें एजुकेशन नू थ्री पार्ट्स दे विच डिवाइड किया सी। पहली इंडिविजुअल टीचिंग है, दूसरी बिहेवियर मतलब व्यवहारक, और तीसरी है नेचुरल मतलब प्राकृतिक। ठीक है, इंडिविजुअल व्यक्तित्व, तो तीन पार्ट्स दे विच उन्होंने डिवाइड किया सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इन विच टू सब्जेक्ट्स फ्रोबल अचीव्ड ग्रेटनेस। फ्रोबल ने किन्ना दो विषय विच महारत हासिल कीती सी। फर्स्ट केमिस्ट्री एंड बॉटनी, सेकंड मैथमेटिक्स एंड बॉटनी, थर्ड इज फिजिक्स एंड बॉटनी एंड लास्ट ऑप्शन इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हाँ जी, विच इज द राइट आंसर हेयर। केड़े दो सब्जेक्ट्स विच फ्रोबल ने महारत हासिल कीती सी? हाँ जी, प्लीज स्टूडेंट्स राइट इज आंसर। ये क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। और ज्यादा स्टूडेंट्स आंसर दो, जिन्हें भी लाइव बैठे हुए हो प्लीज आंसर दो। हाँ जी, बी और डी के बीच कंफ्यूजन है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो, बट वो जो राइट आंसर है वो है मैथमेटिक्स एंड बॉटनी। मैथमेटिक्स और बॉटनी के बीच फ्रोबल नो महारत हासिल सी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हेयर। बी आंसर इज द राइट हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। हु स्टार्टेड नई तालीम स्कीम। नई तालीम स्कीम किसने शुरू की थी? फर्स्ट ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है अरविंदो घोष एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हाँ जी, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। नई तालीम किसने शुरू की थी? नई तालीम किसने शुरू की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, अरविंदो घोष ने या नन ऑफ दीज? हाँ जी, जो आंसर है वो सही आ रहे हैं हूँ, मतलब महात्मा गांधी ने जड़ी सी नई तालीम शुरू की थी। और एक ही सी ये सात साल तो घट बच्चों, सात साल तो घट बच्चा, घट बच्चों लिए एजुकेशन इंपोर्टेंस नू समझाना सी। सात साल तो घट बच्चों नू एजुकेशन इंपोर्टेंस समझाना सी, मतलब दूजा तो ये सात साल तो घट बच्चों लिए केड़ी एजुकेशन इंपोर्टेंस है और बारे गल करना। ठीक है, अदर नेम बेसिक एजुकेशन है, बिल्कुल है, जैसे सांगा जी जो अदर नेम है वो बेसिक एजुकेशन है। गुड, अदर नेम बेसिक एजुकेशन। हाँ जी, अपने आइडियाज नाल नाल दिंदे रहा करो, पता लगता है कि तुसी किस लेवल तक इस चीज नू देखदे हो, अपने आइडियाज जरूर दिया करो। बिल्कुल सही है। गुड, और जसवी सांगा जी वेरी गुड, अमृत कौर जी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं।
Where did pre-basic education started? Pre-basic जरिए education से वो कितने start हुई? First option है गुजरात, second है मध्य प्रदेश, third है वर्धा and last है बिहार. Yes, please answer this question कि where did pre-basic education started? Pre-basic शिक्षा कितने शुरू हुई? गुजरात, मध्य प्रदेश, वर्धा और बिहार. ये भी थोड़ा काफी हद तक clear होने हैं क्योंकि इन्द नाल दे कई questions पहले हो चुके हैं. ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ. ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ वर्धा जिला हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट सी, ठीक है. और वर्धा जिले दे सेवा ग्राम, वर्धा जिले दे सेवा ग्राम दे विच ये शुरू हुई सी. बेसिक सेवा ग्राम दे विच ये शुरू हुई सी 1945 विच महाराष्ट्र दे वर्धा दे विच सेवा ग्राम दे विच जिहड़ी स्कीम और शुरू हुई सी, ठीक है. हाँ, महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी, ये भी बिल्कुल सही है, स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी. इस तरह अपने जो नाल कमेंट्स है, ट्रिक्स है, और दिया करो क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि और भी ज्यादा चीजों बारे पता लग जाए. बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं. एट्थ क्वेश्चन, बेसिक एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन द लीडरशिप ऑफ, किन्ना दी लीडरशिप विच बेसिक एजुकेशन शुरू हुई सी? ध्यान नाल ये क्वेश्चन तुसी चेक करना है. उन्होंने की पूछे है, लीडरशिप. फर्स्ट ऑप्शन है राजीव गांधी, सेकंड ऑप्शन महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन जाकिर हुसैन एंड लास्ट ऑप्शन इज पीवी नरसिम्हा राव. ध्यान नाल दे रहे हैं क्वेश्चन का जवाब. नहीं नहीं नहीं, जो तुसी कह रहे हो कि महात्मा गांधी है, बिल्कुल सही नहीं है. ये है, स्टार्ट कीती गई सी महात्मा गांधी द्वारा, बट एक लीडरशिप किन्ना दी सी उस टाइम, ये दसो लीडरशिप. लीडरशिप दे अकॉर्डिंग आंसर दो स्टूडेंट्स. अगर ये महात्मा गांधी सी तां इस तों बाद मैनूं दोबारा क्वेश्चन देण दी लोड़ नहीं सी. लीडरशिप किन्ना दी सी बेसिक एजुकेशन दे लई, ओह दसो कि बेसिक एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन द लीडरशिप ऑफ, स्टार्टेड बाय नहीं पूछा, स्टार्टेड इन द लीडरशिप ऑफ पूछा. हाँ, यस स्टूडेंट रे, अमृतपाल कौर है, नीति बांसल है, गुड, वेरी. जाकिर हुसैन दी लीडरशिप दे विच एडी वर्धा एजुकेशन सी स्टार्ट हुई सी, इस करके जाकिर हुसैन इज द राइट आंसर. प्लीज इन्हें ध्यान नाल देख लियो, क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना है कि वह स्टार्टेड बाय पूछ रही है या स्टार्टेड इन द लीडरशिप बारे पूछ रही है. इन दोनों क्वेश्चंस नो प्लीज ध्यान नाल करियो, क्योंकि अगर स्टार्टेड बाय पूछे तो महात्मा गांधी है, और अगर लीडरशिप पूछे तो जाकिर हुसैन है, ठीक है जी. यस, प्लीज ध्यान देना इस क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चल लेंगे. फॉर विच बुक रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज, केड़ी बुक ले रविंद्रनाथ टैगोर नो नोबेल प्राइज मिलिया? फर्स्ट है आश्रवक शिक्षा, सेकंड है गीतांजलि, थर्ड है शिक्षक विक्रम एंड लास्ट नन ऑफ दीज. केड़ी बुक ले रविंद्रनाथ टैगोर नो नोबेल प्राइज दा मिलिया, नोबेल प्राइज केड़ी बुक ले मिलिया? हां जी स्टूडेंट, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਈ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਨੋਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ, ਫਸਟ ਨੋਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹੈ, फर्स्ट नॉन यूरोपियन हु गॉट नोबल प्राइज, क्योंकि पहले यूरोपियन ने मिला सी, लेकिन ये पहले नॉन यूरोपियन है जिन्हों नोबल प्राइज मिला.
ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ Where did Rabindranath Tagore started Shanti Niketan School? Rabindranath Tagore ने Shanti Niketan School किथे शुरू किता? First option है Madras, second option Mumbai, third option Maharashtra और last option है Kolkata. केड़े किथे उन्होंने Shanti Niketan School शुरू किता सी? Yes, please student write this answer. Tenth question का जवाब दो. Shanti Niketan उन्होंने किथे शुरू किता? हाँ जी बिल्कुल जेड़े स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं उन्होंने यह शांति निकेतन स्कूल शुरू किया सी वह कलकत्ता में शुरू किया सी ठीक है कलकत्ता दे 100 माइल्स की दूरी पर सी 100 मील की दूरी पर शांति निकेतन की जगह पर शांति निकेतन ठीक है विच उन्होंने स्कूल खोलिया से जिन्होंने नाम की दिता है शांति निकेतन ठीक है तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कलकत्ता दे विच उन्होंने शुरू किया कलकत्ता कह देंगे बट कलकत्ता दे 100 मील दूरी पर शांति निकेतन की जगह पर इन्होंने स्कूल शुरू किया सी ठीक है हाँ जी बिल्कुल सही है कलकत्ता का ही देना तुसी जगह भी देना इस करके ये राइट आंसर है अगले क्वेश्चन तरफ वधदे हां What's the other name of Shanti Niketan? हुण ऐसे नाल रिलेटेड एक होर क्वेश्चन आ गया कि शांति निकेतन का दूसरा नाम की है फर्स्ट ऑप्शन है विश्व भारती सेकेंड ऑप्शन है भारत विश्वा थर्ड ऑप्शन है गीतांजलि और लास्ट है नन ऑफ दीज हाँ जी प्लीज यस कई स्टूडेंट पहले ही आंसर दे रहे हैं वेरी गुड एक्सीलेंट स्टूडेंट्स वेरी गुड थोनों ये पता होना चाहिए भी इन्हें रिलेटेड क्वेश्चन और की पूछे जा सकते हैं शांति निकेतन की जगह पे खोला गया पहला शांति निकेतन से हूँ उसका नाम की है बिल्कुल सही सारे का आंसर जगह सही जा रहे हो विश्व भारती जोड़ा है वो इनका दूसरा नाम है मतलब हूँ का जो रिसेंट नेम है वो विश्व भारती है ठीक है तो ए इज द राइट आंसर ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड हाँ जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं अरविंदो घोष फिलोसफी इज बेस्ड ऑन अरविंदो घोष की फिलोसफी किन ऊपर बेस है फर्स्ट नेचुरलिज्म मतलब कुदरतवाद सेकंड बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारक थर्ड वेदांता एंड उपनिषद मतलब वेदांत उपनिषद पर आधारित है या लास्ट आइडियलिज्म आदर्शवाद पर आधारित है केड़े क्वेश्चन दे किन्ना दे ऊपर उन्होंने जी फिलोसफी है वो बेस्ड है नेचुरलिज्म ते बिहेवियरिज्म ते वेदांत एंड उपनिषद और लास्ट आइडियलिज्म बिल्कुल सही स्टूडेंट्स यू आर जर्निंग वेरी गुड वेदांता एंड उपनिषद के ऊपर उन्होंने जी थ्योरी सी वो बेस सी और अरविंदो घोष ने इन्हों की थ्योरी के ऊपर जोर दिता मतलब ट्वेल्थ वाला ऑप्शन है वो आ गया अपना सी ऑप्शन ठीक है ए नहीं है नेचुरलिज्म नहीं है इन्हों का इन्हों का वेदांता एंड उपनिषद के ऊपर दर्द है बेस पूछे गया नेचुरलिज्म ऑलमोस्ट सारे ही एजुकेटर्स का है सारे फिलोसफर्स का है बट एक बेसिक चीज होंगी जिन्होंने उन्होंने फॉलो किया होंगे तो वह चीज जी होंगी वेदांता एंड उपनिषद अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो वेदांता के उपनिषद के ऊपर जवाब देना है ठीक है जी यस स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं राजा राम मोहन राय रिकमेंडेड द मीडियम फॉर स्टडी उन्होंने स्टडी का मीडियम कहड़ा दसिया हिंदी सैकेंड इंग्लिश थर्ड पंजाबी और लास्ट उर्दू राजा राम मोहन राय ने स्टडी का माध्यम केड़ा दसिया हिंदी इंग्लिश पंजाबी या उर्दू हाँ जी प्लीज स्टूडेंट्स क्वेश्चन का जवाब दो यस हिंदी इंग्लिश पंजाबी और उर्दू राजा राम मोहन राय ने मिले जुले आंसर आ रहे हैं मेरे को मिले जुले आंसर आ रहे हैं प्रॉपर जिहड़ा है वह थानू हज तक नहीं पता कि इनका जिहड़ा सही आंसर है वह की है विचों जो स्टूडेंट्स जिहड़े है वह सही आंसर दे रहे हैं जिहड़े राजा राम मोहन राय से उन्होंने जिहड़ा माध्यम से वह इंग्लिश किया सी
याद रखना है इस चीज नूं, राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश जिहड़ा माध्यम से ओ किया सी। हां जी, ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की सी, बिल्कुल ओजस्वी सांगा जी, गुड। नाल थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिंदे रहो ताकि पता लगे, और बिल्कुल अच्छा डिस्क्रिप्शन और नाल मिलदा जुलदा जो कि नॉलेज दे विच आ सके। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इज नोन एज, पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन की केड़ा है, केड़े नाम में जाने जाता है? फर्स्ट है वुड डिस्पैच कमीशन, सेकंड है कोठारी कमीशन, थर्ड है हंटर एजुकेशन कमीशन, एंड लास्ट है यशपाल कमेटी। केड़ा फर्स्ट एजुकेशन कमीशन के नाम नाल जाना जाता है? ध्यान नाल देखो क्वेश्चन, की आंसर इसका बन सकता है? फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, बिल्कुल सोच के आंसर दो कि वुड डिस्पैच कमीशन है या कोठारी कमीशन है या हंटर एजुकेशन कमीशन है या यशपाल कमेटी है, केड़ा कमीशन? हां जी स्टूडेंट्स, मिले जुले आंसर आ रहे हैं, पीछे पीछे कुछ सही आंसर आ रहे हैं। पहला कमीशन जो बच्चे वुड डिस्पैच कह रहे हो, नहीं है जी, हंटर एजुकेशन कमीशन है, जो कि इंडिपेंडेंस तो पहला की गल हो रही है, आजादी तो पहला जो एजुकेशन कमीशन सी वह हंटर एजुकेशन कमीशन है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हेयर, हंटर एजुकेशन कमीशन। हाँ जी, और ये जो सी लॉर्ड रिपन के टाइम से फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर फ्रीडम, हम देखो उन्होंने की पूछे, आफ्टर फ्रीडम, आजादी तो बाद केड़ा पहला एजुकेशन कमीशन सी? फर्स्ट है राधा कृष्णन कमीशन, सेकंड है प्लानिंग कमीशन, थर्ड है कोठारी कमीशन, एंड लास्ट है हटो कमीशन। केड़ा पहला कमीशन सी आजादी तो बाद? यस स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। राधा कृष्णन कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन है, कोठारी कमीशन है या हटो कमीशन, केड़ा कमीशन फर्स्ट है आजादी तो बाद? मिले जुले आंसर हजे भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स नूं, क्योंकि जो मैं कोठारी कमीशन क्या सी, वो सिक्स कमीशन सी, पहला इंडियन हैगा सी, लेकिन एस राधा कृष्णन कमीशन जिहड़ा सी, इन्होंने सब तो पहला मतलब यूनिवर्सिटी लैवल ते इन्होंने एजुकेशन का क्या सी, बट इन्होंने स्कूल एजुकेशन की तरफ काफी ध्यान दिया, इस करके राधा कृष्ण नूं आपां फर्स्ट मन्नांगे। ए इज द राइट आंसर, और इन्दा है कि दे फोकस ऑन यूनिवर्सिटी 1948-49 दे विच आया सी, मतलब कोठारी कमीशन तो भी पहला राधा कृष्ण, ठीक है। और इन्होंने पहला की किया सी, दे फोकस ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पहले इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया सी, ठीक है, एज वेल एज, लेकिन ज्यादा फोकस यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इन्होंने स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी काफी आपका ध्यान दिता, स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी, इस करके आजादी तो जस्ट जरा, क्योंकि जो कोठारी कमीशन से 1964 आप जिम्मे कह दें कि वह कमीशन आया से, सिक्स कमीशन से, लेकिन आजादी तो बाद जो कमीशन आया जस्ट बाद, ठीक है, और राधा कृष्णन कमीशन थी तो वह स्कूल के उपर बेस से ए कमीशन। हाँ जी, क्योंकि टाइम पीरियड भी है आजादी तो जस्ट बाद, इस करके इस चीज में ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, आधुनिक भारतीय शिक्षा की स्थापना कदों हुई? फर्स्ट ऑप्शन 1814, सेकंड ऑप्शन 1815, थर्ड ऑप्शन है 1816, एंड लास्ट ऑप्शन इज 1813। हां जी, दसो केड़ा आंसर इन दे विचों सही है? मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन जिहड़ी अज दी सिक्ख्या जिहड़ी चल रही है उहदी स्थापना कदों हो गई सी, पहला ही मतलब उहदे बारे कदों किया गया सी? इहदा सही ऑप्शन 1813 है, क्योंकि इहदा चार सैक्ट आया सी ना,
ਚਾਰਲਸ ਐਕਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਊਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਐਕਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1813 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਵਾਜ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ, 1815, 1813, 1819 ਔਰ 1818। ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਨ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1813 ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਵਾਜ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਫ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਲੈਟਰ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵੁੱਡ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। 1851, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 1852, 1852, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1854 ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1859, ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ। ਯੈਸ, 1851, 52, 54 ਔਰ 1859, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 1854 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲੋ ਵਰਨੀਕੂਲਰ, ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਐਂਗਲੋ ਵਰਨੀਕੂਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਐਂਗਲੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਸੀ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਵਾਸ ਸਰਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮ, ਸਰਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਆਈ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1942, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1941, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1943 ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1944। ਸਰਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਆਈ, 1942, 1941, 1943 ਜਾਂ 1944। ਯੈਸ ਫਰੈਂਡਸ, ਪਲੀਜ਼ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਰਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਆਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਆਈ ਸੀ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 6 to 14 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ 1944 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਹਟੋਕ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮ, ਹਟੋਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਆਈ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1928, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 1929, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ 1927 ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1930।
ਹਟੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਟੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ 1928 1929 1927 ਔਰ 1930 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੇਅਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਸਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਹੀ ਹੈ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਹਟੋਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਚੇਅਰਡ ਬਾਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੇਅਰਡ ਬਾਏ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਫਿਲਿਪ ਜੋਸਫ ਹਟੋਕ ਫਿਲਿਪ ਜੋਸਫ ਹਟੋਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਇਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਟੂ ਸਰਵੇ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਿਪ ਜੋਸਫ ਹਟੋਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਆਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ